अगर आपकी क्वालिफिकेशन है केवल 10th पास और आप ITBP में हैवी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अज़र खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट ट्रिक्स। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में दोस्तों हैवी ड्राइवर की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, कब से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, कब इसका एग्जाम होना है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें एज क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है या नहीं मांगी गई है, सारी आज की इस वीडियो में बात होगी। लेकिन इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो पोस्ट नेम है दोस्तों हमारा कांस्टेबल की, ये पोस्ट है। ड्राइवर की आपको पोस्ट मिलेगी। ड्राइवर कौन होगा? हैवी ड्राइवर यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो पोस्ट नेम है हमारा कांस्टेबल ड्राइवर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 545 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों। जनरल OBC EWS के लिए फॉर्म की फीस भरने की 100 रुपये है मात्र, और बाकी के लिए तो 1 रुपये भी पे नहीं करना। तो फॉर्म में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास लाइसेंस है इसका, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एज एंड क्वालिफिकेशन में 21 से 27 साल इसमें दोस्तों मांगी गई है एज, और क्वालिफिकेशन में जैसा कि मैंने कहा 10th पास, लेकिन 10th पास के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होने चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल में कौन कौन से आते हैं भाई? ट्रक आता है, बस आती है, और ट्रैक्टर हो गया। तो ये सारे हैवी मोटर व्हीकल्स हैं दोस्तों। ट्रैक्टर ट्रॉली जो होता है ये सारे हैवी मोटर व्हीकल में आता है। अगर इनका आपके पास लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं है तो बनवा दो फटाफट, ताकि आपको टाइम से आपके पास ये लाइसेंस हो और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको देखो भाई फिजिकल भी देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा, और ड्राइविंग का टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आपको इसको इस जॉब को पाने के लिए करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन आपको ये जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ इसकी डिटेल में। सो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, मेल्स के लिए है केवल ये वैकेंसी, याद रखिएगा, मेल के लिए, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है दोस्तों। सो आपको रेस 1.6 किलोमीटर 7:30 में 11 फीट जंप करनी है। इन तीन आपके पास चांस होंगे इसको करने के लिए। लॉन्ग जंप पे हाई जंप करनी है आपको 3.5 फीट, इसके लिए भी तीन चांस मिलेंगे। तीन चांस के अंदर अंदर आपको ये जंप लगानी पड़ेगी, ये लॉन्ग हाई जंप और लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। अगर तीन चांसेस में नहीं होता तो आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट कितनी मांगी गई, 160-170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट 76-75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट यानी कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स की क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा इस सेक्शन को, राइट। फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम के पैटर्न को समझना आसान है, इसको समझ लो भाई, इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स किसके लिए मिलेंगे। ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग, नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर, सिग्नल्स, रियर व्यू मिरर, 5 मार्क्स इसके मिलेंगे। स्मूथ स्ट्रेट हेड ड्राइविंग विद गियर चेंजिंग, टॉप गियर स्पीड, मतलब आपको मिरर की नॉलेज होनी चाहिए, साइड मिरर्स वगैरह आप वो देखा जाएगा, 5 मार्क्स उसके मिलेंगे। ड्राइविंग सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के ड्राइव कर रहे हो और गियर चेंज कर रहे हो विदाउट एनी इधर उधर मूव किए, तो वो उसके 5 मार्क्स जज किए जाएंगे। इस तरीके से हर एक चीज़, हर एक स्किल जो ड्राइविंग में चाहिए होती है वो आपको देखी जाएगी। ये 5-5 मार्क्स आपको इसके मिलते रहेंगे। और ओवरऑल यहाँ पर देखिए ओवरऑल चीज़ें, सारी चीज़ें जज की जाएंगी, और हर एक चीज़ 5 मार्क्स की इसमें दोस्तों इंक्लूड की गई है, देख रहे हैं आप, ठीक है। सो ये हो गया आपका ड्राइविंग टेस्ट। एग्जामिनेशन पैटर्न देखो रिटन एग्जाम की, क्योंकि इसकी तो तैयारी पहले से ही आपको करनी है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, मैथ्स आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, और ट्रेड रिलेटेड यानी कि ड्राइविंग के जो मैंने कहा क्वेश्चन कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे भाई, राइट। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे इसको करने के लिए। तो पहले से ही प्रिपेयर होकर चलें दोस्तों, इसका हाई लेवल नहीं आता, क्योंकि स्किल जो मेन स्किल है वो है आपकी ड्राइविंग स्किल, और वही सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और GK की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है। इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटे करने के लिए। सैलरी की शुरुआत भी बहुत अच्छी है और इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा है इसमें दोस्तों। देखिए भाई इन हैंड सैलरी जो है
21,700 से लेकर और बढ़ते बढ़ते सैलरी कहाँ तक चली जाती है, 69,100 पर मंथ बन जाती है दोस्तों। सो सैलरी भी बहुत अच्छा आसान है और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बेस्ट जॉब है और सिलेक्शन पाना भी बहुत आसान है इसके लिए, ठीक है भाई। अब आगे की बात करूँगा दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, देखिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 8 अक्टूबर से दोस्तों। इसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और थंबनेल में भी मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा है और आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन है इसका जो ऑलरेडी जारी हो चुका है। 8 अक्टूबर से इसके फॉर्म्स निकलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, अप्लाई कर सकते हो। 6 नवंबर तक एप्लीकेशन चलेंगे। www.itbppolice.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई करने का लिंक सब आपको यहां पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं मेंशन कर दूंगा। दोनों चीज़ें वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं जब 8 अक्टूबर को फॉर्म्स भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो कहीं और सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये थी दोस्तों सारी डिटेल अबाउट इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। सो अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो शुरुआत अभी से कर दो तैयारी की, क्योंकि अब ऑफिशियल डेट्स दोस्तों अनाउंस हो चुके हैं फॉर्म्स आउट की, अब आपके पास टाइम नहीं है। जब फॉर्म्स आउट हो जाता है तो टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।